और आइए अब दिखाते हैं आपको कि जो बाइडेन ने जिनपिंग से क्या कहा। आमने सामने चर्चा का कोई विकल्प नहीं होता, हमारी बैठक हमेशा उपयोगी साबित हुई है, हमारे बीच की प्रतिस्पर्धा तनाव में नहीं बदलनी चाहिए, मिलकर काम करना हम दोनों के हित में है, वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की आज जरूरत है, जलवायु परिवर्तन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर साथ काम करना बेहद जरूरी है। तो ये बातें कही गई है जो बाइडेन की तरफ से, और सबसे अहम बात ये जो इस बात को रखा गया कि जो प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए, वैश्विक व्यापार की बात की जाए, ऐसे में ये ना हो कि तनाव दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता जाए। एक और बड़ी खबर आपको बताया था, जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात को लेकर क्या समझा जाना चाहिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए, मेजर जनरल ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ है और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ है। ओपी तिवारी सर, पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं, ये मुलाकात और आप देखिए ऐसे वक्त में मुलाकात हो रही है जब 2 फ्रंट सुलग रहे, एक तरफ रशिया यूक्रेन है और एक तरफ 40 से 41 दिन से हमास और इसराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है, और दोनों देश अमेरिका और चीन दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। अब इस तलखी के बीच इस मुलाकात को कितना अहम आप देख रहे हैं? ये मुलाकात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रही है यूक्रेन ताइवान नाउ हमास इसराइल में, ये इसमें दोनों का अलग अलग ग्रुप सा बन गया था, इसमें दोनों देशों का नुकसान भी हो रहा था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विश्व में शांति के लिए दोनों को मिलना बहुत अत्यंत आवश्यक है, बिकॉज इसका चाइना का रुख ताइवान में कुछ अलग था, इवन जैसे अमेरिका को अभी खास ज़रूरत है जैसे है वो नॉर्थ कोरिया और ईरान की खास ज़रूरत है, ताकि ईरान को नहीं चाहता कि ईरान अगर ज़्यादा इंटरफेयर करेगा तो भी हमास का मतलब जो इसराइल में मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है वर्स हो सकती है। इस तरीके से नॉर्थ कोरिया का जो प्रश्न है, जिस तरीके से वो न्यूक्लियर बॉम्ब सब मिसाइल्स बना रहा है, वो भी एक विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये दो क्षेत्रों में, दो जगह, ये कोरिया और ईरान में अमेरिका को चाइना की मदद अत्यंत आवश्यक है। प्लस बीच में क्या हो गया था कि इनका नेटवर्क कम्युनिकेशन आपस में बंद हो गया था, मिलिट्री कम्युनिकेशन जो कहते हैं कि आपस में चाइना और यूएस के जो मिलिट्री लीडर से कम्युनिकेट करते हैं वो भी करीब करीब बंद हो गया था। ये सब रिवाइव करना जरूरी है, इसी तो वजह से थोड़ी शांति पैदा हो सकती है और कुछ उम्मीद जागी जा सकती है कि ताकि ये वॉर जो है किसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव ना हो। वॉर तो बिल्कुल बंद करना तो मुश्किल ही है, बिकॉज इनकी एक्टिविटीज और इनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा शेप नहीं रहना चाहिए वॉर में ताकि ये मास डिस्ट्रक्शन के रूप में या न्यूक्लियर बॉम्ब की का जो शुरू हो। ये जो पहली बार, जैसे अभी मान लीजिए कि चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं 6-7 साल में पहली बार, 17 के बाद पहली बार गए हैं। ठीक है, हमारे साथ एयरफोर्स वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर, आप लगातार बने हुए हैं, लेकिन सर ये कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए, जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये कुछ कैजुअल जो बातचीत है उसकी तस्वीरें हैं, साथ चलते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे जो बाइडेन और शी जिनपिंग, और देखिए बस अब कुछ ही देर के बाद प्रेस के साथ भी बातचीत होगी, और हालांकि जो पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि प्रेस के सामने कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट रखी जाए, कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो बाइडेन प्रेस के साथ बातचीत करेंगे, पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे।